नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कहते हैं अपराधी कितना भी चतुर क्यों ना हो, एक दिन वो पुलिस के गिरफ्त में जरूर आते हैं। कुछ ऐसे ही हथियार तस्कर करने वालों को मुंब्रा पुलिस के पीएसआई अजीत बड़े और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंब्रा पुलिस के पीएसआई अजीत बड़े को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार तस्करी के लिए दीवा में आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पीएसआई अजीत बड़े और उनकी टीम ने घेराबंदी कर एक आरोपी तुलसी राम चंद्रकांत वाटकर 33 वर्षीयों को गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन के दौरान पुलिस को इसके पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। मगर जब मुंब्रा पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपने एक और साथी का नाम बताया, जिसके बाद रायगढ़ से दूसरे आरोपी राजेंद्र राजू साटम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजेंद्र राजू साटम के पास से दो राइफल और एक शक्तिमान कारतूस बरामद किया गया है। आइए जानते हैं मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है। मुंब्रा पुलिस में के जो डिटेक्शन स्टाफ है, जो पीएसआई बड़े, उनके जो हेड कॉन्स्टेबल पीछे कॉन्स्टेबल नाइक पाटिल और भोसले वाघमारे और राजपूत, ये टीम ने 12 तारीख को नाइट ड्यूटी करते टाइम उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि दीवा नाके पे एक आदमी रिवॉल्वर लेके आने वाला है और वो कोई वारदात करने की संभावना है। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये टीम उधर गई, उन्होंने उधर छुप के उधर छापा लगाया, ट्रैप लगा के उसको पकड़ लिया। उसके पास उसको नाम पूछते उन्होंने अपना नाम तुलसीराम चंद्रकांत वाड़कर, रहने वाला रायगढ़ का हूँ मैं, और जब उसका सर्च लिया तो उसके पास एक रिवॉल्वर मिला। जो इन्फॉर्मेंस दी सही दी निकली, उस हिसाब से उसको अरेस्ट किया। उधर उसका उसके खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन केस रजिस्टर नंबर 229/18 आर्म्स एक्ट के आर्म एंड के नीचे उसका केस रजिस्टर किया है। उसको केस रजिस्टर करने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड लिया। पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद उसके पास जांच किया। जांच हमारे डीसीपी डॉक्टर सी डी एस स्वामी सर, हमारे एसीपी श्री रमेश धुमाल साहब, इनके मार्गदर्शन के नीचे और उन्होंने जो सूचना दिए ये कहाँ से लाए, उनके साथीदार कौन है, ये पूछ के वो आगे की जांच जाने के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन में ऐसी मालूमत निकली कि उसका और एक साथीदार है उस राजू साठम, उसके पास भी कुछ बंदूक है, ऐसी मालूमत मिली। उस हिसाब से हमने उसके पास भी जांच करते राजू साठम को हमारे हिरासत में लिया। उससे जानकारी जांच करने के बाद तो उससे गए उसके पास पे 12 बोर के दो रिवॉल्वर्स ये बंदूक मिले, रिवॉल्वर्स के दो राउंड्स मिले और एक शक्तिमान करके एक 12 बोर का एक कारतूस मिला है। ऐसा पूरा माल 65,100 रुपये का माल बरामद किया। किशोर पासलकर ने बताया कि इनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन दोनों पर हथियार रखने के जुर्म में 3 कॉलम 25 और सह महाराष्ट्र पुलिस कायदा 37 कॉलम 135 के अंतर्गत मामला दर्ज कर रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, दो कारतूस, दो राइफल, एक शक्तिमान कारतूस जिसकी कीमत 65,100 रुपये है। इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पीएसआई अजीत बड़े की टीम ने लगातार 4 दिन बड़ी मेहनत की, जिसमें पीएसआई अजीत बड़े, अमूल यादव, उमेश राजपूत, हवलदार पिसे वाघमारे सहित भोसले शामिल थे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।